हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं मित्तु आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस वर्सेस थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस। आज हम इसके बारे में जानेंगे, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, अगर हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, जब बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ऑन द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर कार इन योर बाय कार इंश्योरेंस। आफ्टर ऑल द व्हीकल इट इज एसेंशियल एसेट दैट मेक्स आवर डेली लाइफ इजियर, बी इन ए रोड ट्रिप ओवर द वीकेंड और द रेगुलर हैसल ऑफ मेकिंग इट टू ऑफिस ऑन टाइम। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है। फर्स्ट पार्टी इन द कार इंश्योरेंस पॉलिसी इज द ओनर ऑफ द कार और द पर्सन इन हुज नेम द ऑफ द पॉलिसी इज रजिस्टर्ड। या बस फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पार्टी होती है इंश्योर्ड पर्सन, जो कि प्रीमियम पे करता है इंश्योरर को, तो इसीलिए इसको बोला गया फर्स्ट पार्टी। सेकेंड पार्टी होता है, द सेकेंड पार्टी रेफर्स टू द कार इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोटेक्ट योर व्हीकल एंड कंपोनेंट्स फॉर द लॉसेस और डैमेजेस टू योर कार। इट इज़ द इंश्योरेंस प्रोवाइडर विद होम द फर्स्ट पार्टी हैज साइंड द इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट। या सेकेंड पार्टी होता है इंश्योरर कंपनी, इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है जो क्लेम देती है हमें। देयरफॉर व्हेन एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस द सेकेंड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सेटल द क्लेम्स फाइल्ड बाय द फर्स्ट पार्टी, प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट पार्टी हैज़ इंश्योर्ड टाइमली पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो इसमें फर्स्ट पार्टी प्रीमियम पे करती है सेकेंड पार्टी को, और सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि हमें क्लेम देती है अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है। थर्ड पार्टी इज ए पर्सन और ए व्हीकल ओनर हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टीज इंश्योर्ड व्हीकल इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट पार्टीज व्हीकल हैज़ caused damage or injuries to the third party's vehicle or owner. Then the insurance benefit is paid by the second party to the third party. So second party है वो third party को in मतलब paid करता है benefit. तो second party है insurance company. अगर सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्टी हिट करती है थर्ड पार्टी को, तो इस केस में सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी को लॉस का भरपाई करती है। एज स्टेटेड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ए पर्सन मस्ट गेट एटलीस्ट थर्ड पार्टी ऑनलाइन व्हीकल इंश्योरेंस। हैविंग दिस इंश्योरेंस कवर इज ए लीगल रिक्वायरमेंट्स विदाउट विच एनी कार ओनर विल हैव टू पे ए ट्रैफिक फाइन और फेस द लीगल कंसिक्वेंसेज। और ये इंडिया में बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको व्हीकल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी, अदरवाइज आपको फाइन भरना पड़ेगा जैसे आप रोड पे अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू इमीडिएटली गेट थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस ऑनलाइन। तो आप इसीलिए जब भी हम कार परचेज करते हैं, फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर, तो इस केस में हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, अदरवाइज हम रोड पे गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके लिए हमें फ़ाइन भरना पड़ता है। What are the different type of car insurance? अब हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के कार इंश्योरेंस हैं। ए कार ओनर हैज़ द ऑप्शन ऑफ चूजिंग आइदर बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आगे कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी एक ही होता है। तो एक कार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कार इन केस ऑफ एनी नेचुरल क्लाइमेट मैंडेट मैनमेड डिजास्टर और टोटल लॉस ऑफ द कार। अगर कोई भी लॉस होता है गाड़ी को, या जैसे कि क्लाइमेट हो गया, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, या फिर मैन मेड जैसे कि थेफ्ट वगैरह हो गया, इससे अगर गाड़ी को नुकसान होता है उस केस में हमें हेल्प करता है। The theft of complete damage. The first party can file a claim for the damage with the second party, who will settle the claim amount after considering the extent of damage or verifying the information.
The comprehensive car insurance also covered third party claims. Hence, if a third party is affected by the first party's insured vehicle, which include injuries, property damage, or loss of life, then the second party will settle the claim on the first party's behalf. The second party होती है जो कि insurance company होती है वो first party के behalf से third party को claim देती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है. कवर्स ओनली द डैमेज इंकर्ड बाय ए थर्ड पार्टी पर्सन और व्हीकल इन केस ऑफ बॉडीली इंजरी डेथ और डैमेज टू द थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी और पर्सन दे आर एंटाइटल्ड टू द इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ द फर्स्ट पार्टी. देयरफॉर The second party or the insurance provider of the first party pays the compensation on the first party's behalf. The third party car insurance price is less than the comprehensive insurance cover because of the lower extent of coverage. अच्छा third party का insurance जो हम करवाते हैं उसका premium हमें कम pay करना पड़ता है comparison to first party insurance. तो आज अभी हम इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं. अगर हम थर्ड पार्टी बेनिफिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है. चलिए नेक्स्ट टाइटल में हम इसके बारे में बात करेंगे. ए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर इज ए स्पेसिफिक पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट लीगल और एक्सीडेंटल लाइबिलिटीज फाइनेंशियल लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी. द कवर आल्सो प्रोटेक्ट यू इन केस ऑफ ए थर्ड पार्टी इंजरी और इवन डेथ ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ यूअर व्हीकल. थर्ड पार्टी में ये बेनिफिट होता है कि अगर आगे जिसको हम हिट करते हैं उसका अगर कोई डेथ भी होती है उस केस में भी हमें सेकेंड पार्टी प्रोटेक्ट करती है. ए थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस इज मैंडेटरी बाय द मोटर व्हीकल एक्ट इन इंडिया विदाउट विच यू विल बी लाइबल फॉर ए हैवी फाइन. विच लिस्ट इज इट आल्सो प्रोटेक्ट यूर पॉकेट फ्रॉम एनी लॉसिस दैट could rise if your car were to damage any third party vehicle, person or property. Is third party insurance enough for car? इसमें पता चला अगर third party insurance हम ले लेते हैं तो ये बस यही काफ़ी है हमारे लिए. Since a third party policy provides coverage only for third party liability and nothing for damage sustained by the insured car, it is not considered an आइडल कार इंश्योरेंस कवर. तो सिंस थर्ड पार्टी प्रोवाइड्स कवरेज ओनली फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी की डेफिनेशन और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में हमने बात की आज. तो जैसे कि उसके बेनिफिट के बारे में बात की है हमने. अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो वैल्यूएबल है और इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे न्यू वीडियो के. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में. बाय एंड